हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि बीकाजी फूड्स का आईपीओ आया हुआ है, जो कि अभी काफ़ी चर्चा में चल रहा है। इसके पहले डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ आया था, उससे संबंधित सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड हो गई हैं। आप अभी तक नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। और बीकाजी फूड की पहली वीडियो जो थी, जिसमें बताया गया था कि बीकाजी फूड क्या काम करती है और कंपनी कितना पैसा कमाती है और इसकी आईपीओ की डेट वगैरह कब की है, वो वाली वीडियो भी अभी आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। आज हम बीकाजी फूड की दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि पहले दिन कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है ये आईपीओ और इसकी जीएमपी अभी क्या चल रही है। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि लास्ट दिन आपको आईपीओ खरीदना है कि नहीं खरीदना है। यदि आप मेरे चैनल को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो आईपीओ के बारे में जानकारी आपको मिलती रहेंगी। और पहले और दूसरे दिन ना खरीद कर हम लोग तीसरे दिन आईपीओ खरीदने को जाते हैं, ताकि पहले और दूसरे दिन हमको ये पता चल जाए कि सब्सक्राइब कितना हुआ है और जीएमपी कितनी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। दोस्तों, पहले और दूसरे दिन मैं खरीदने को इसीलिए मना करता हूँ क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी लंबा इसका टाइम टेबल है। 3 तारीख को ये आईपीओ ओपन हुआ था और 7 तारीख को चलने वाला है। 3 के बीच में 4 और 5 को मार्केट क्लोज है, फिर 6 और 7 को फिर से मार्केट खुलेगा। 3 तारीख को जो इसकी जीएमपी थी वो काफ़ी हाई थी, 70 के लगभग चल रही थी। और जब मार्केट 5 और 6 को क्लोज हुआ तो इसकी जीएमपी जो है 5 तारीख को इसकी जीएमपी 20 हो गई। आज 6 तारीख है तो आज 5 तारीख है तो हम ये देखेंगे कि इसकी जीएमपी अभी कितनी चल रही है लेटेस्ट में, और 6 और 7 तारीख को हमको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं, और कितने लोगों ने इसको खरीदा। तो 3 तारीख का अगर आप इसमें सब्सक्राइबर देखें कि कितने लोगों ने इसको ख़रीदा है, तो ये 3 तारीख की रिपोर्ट है। क्यूआईबी ने 0.03 गुना इसमें ख़रीदारी की है, एनआईआईज ने 1.42 गुना इसमें ख़रीदारी की है, जिसमें 10 लाख के नीचे वाले 1.04 और 10 लाख के ऊपर वाले 2.17 है। रिटेल वालों ने थोड़ा ज़्यादा ख़रीदा है, रिटेल कस्टमरों ने 2.33 टाइम्स इसमें ख़रीदारी की है। और इम्प्लॉयज़ के लिए भी स्पेशल कोटा रखा गया था, तो इम्प्लॉयज़ ने 1.41 खरीदारी की है। तो टोटल पहले दिन 1.48 गुना ये आईपीओ बीकाजी का सब्सक्राइब हुआ है। तो दोस्तों, आज की अगर हम जीएमपी की बात करें तो 3 तारीख को मैंने आपको बताया कि इसकी जीएमपी 75 चल रही थी और शेयर लॉट है 50 का। तो अगर 50 से इंटू करते हैं तो लगभग 3500-3600 रुपये के लगभग बन रहे थे। तो ये 3 तारीख का जो इसका चार्ट था, बाकी 4, 5, 6 को इसकी जीएमपी बहुत गिर गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जीएमपी अभी 20 की हो गई है। तो 20 से अगर इसको सब्सक्राइब इनटू किया जाए तो 1000 रुपये लगभग लिस्टिंग गेन मिलने के चांस हैं। तो कल सोमवार है, कल एक वीडियो और आएगी जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि सेकेंड दिन ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ, और मंगलवार को मैं इस आईपीओ में ख़रीदारी करने वाला हूँ, लिस्टिंग गेन के लिए जाने वाला हूँ कि नहीं जाने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मैं कल की वीडियो में बता दूंगा, तो कल की वीडियो ज़रूर देखें।